हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को हनुमान जी का बाल स्वरूप बनाना सिखाऊंगी, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके की डॉल ले ली है। आपके घर में जो भी डॉल अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हनुमान जी का फेस रेडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मार्कर और उसकी मदद से मैं इस तरीके से कुछ कुछ पोर्शंस को हाईलाइट करूँगी। इस तरीके से देखिए, मुझे इनके आई मेकअप में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मुझे ये जो वाइट कलर है इसी को कॉर्नर पे करना है, क्योंकि मेरी जो ये डॉल है इसमें ऑलरेडी ब्लू और ब्लैक अच्छे से हुआ हुआ है। देखिए इस तरीके से कॉर्नर के हिस्सों पे वाइट पेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा आई मेकअप कम्प्लीट हो गया है। अब इसमें ऑलरेडी जो आईब्रोज है वो बने हुए हैं, बट मुझे थोड़े से लाइट लग रहे हैं इसलिए मैं मार्कर के थ्रू इनको डार्क कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से आप किसी भी डॉल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक ऑरेंज टाइप का कलर ले रही हूँ और उसकी मदद से मैं इस तरीके से यहाँ पे पेंट करूँगी। देखिए ऐसे करते हुए हमें पेंट करना है। तो देखिए इस तरीके से जो फेस का मेकअप है कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे मैं लूँगी ब्लैक पोस्टर और उसके बाद ऊपर का जो ये हिस्सा है यहाँ पे हम पेंट करेंगे। तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ कि किस तरीके से पेंट करना है। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अच्छे से इनके हेयर को कलर कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ब्राइट लुक आ रहा है। तो देखिए अब हम इनके तिलक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वाइट पेंट ले लिया है और उसके थ्रू मैं इस तरीके से यहाँ पर तिलक को ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये हमने वाइट से कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने वाइट पहले बाउंड्री की थी उसके सेंटर पे इस तरीके से मैंने रेड पेंट से एक डॉट भी बना दिया है। हमारे हनुमान जी का तिलक भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अब हम हनुमान जी की लंगोट बनाएंगे। तो मेरे जो हनुमान जी हैं वो बैठे हुए हैं जैसे आपको दिख रहा है, तो मैं उनके लिए अलग तरीके की लंगोट बना रही हूँ। अगर आपकी जो डॉल है जो आपने हनुमान जी बनाने के लिए ली है अगर वो खड़े पोज में हो तो आप एज इट इज़ इसी साइज़ का एक बड़ा कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस कपड़े को दो पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना क्लॉथ लेना है और उसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट करेंगे। देखिए ऐसे करते हुए हमें करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इन्हें लंगोट पहना दी है। जो मेरे पास एक पतले वाला गोटा था उसकी मदद से मैंने यहाँ पे इनकी लंगोट पे थोड़ा काम भी किया है, डेकोरेट भी किया है इसको। देखिए पेस्टिंग हमने पूरी ग्लूगन के थ्रू की है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, इनको मैं यहाँ पे ज्वेलरी पहनाऊँगी, जिसके लिए मैं गोल्डन कलर की बॉल चेन ले रही हूँ और उसको मैं इस तरीके से इनकी नेक पर घुमाऊँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें नेकलेस पहना दिया है। अब मैं इन्हें बैंगल पहनाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ ग्लूगन लगाई है और हम सिंपली एक बॉल चेन को कुछ इस तरीके से स्टिक कर देंगे। देखिए सेम वही चीज़ दूसरे हाथ पे भी करनी है। आप बॉल चेन के कलर चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर रेड ली थी लंगोट, तो उसके साथ मैचिंग गोल्डन अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने वही ले लिया। तो देखिए मैंने और बॉल चेन के पीसेस कट किए हैं और मैं इनके पैरों में भी इन ऑर्नामेंट्स को पहना दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने इन्हें अच्छे से ऑर्नामेंट्स पहना दिए हैं। अब मैं इनके लिए एक सुंदर सा मुकुट बनाऊंगी। तो मुकुट बनाने के लिए मैंने गोल्डन कलर की ग्लिटर शीट ली, उसके ऊपर मैंने इस तरीके का डिज़ाइन ट्रेस किया है और मैंने ग्रीन कलर की ग्लिटर शीट की मदद से इस तरीके की एक लीफ भी कट की है, जिसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। तो अब जो ये हमने मुकुट तैयार किया है इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्लूगन की मदद से पेस्ट कर दूंगी। देखिए कितना प्यारा मुकुट बनाया था ग्लिटर शीट से, उसको भी पेस्ट कर लिया है। अब हम हनुमान जी की पूंछ बनाएंगे। तो पूंछ बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक इस तरीके का फ्लेक्सिबल वायर, इसको मैंने 2 to 3 टाइम्स इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ब्लैक कलर का मैंने थ्रेड ले लिया और उसके बाद
मैंने इस ब्लैक थ्रेड को इस तरीके से फोल्ड कर लिया आपस में। ये मैं पूंछ का जो पीछे का हिस्सा है उसको बनाने के लिए यूज़ करूँगी। इसको हम वायर में कुछ इस तरीके से डालेंगे और उसके बाद इस वायर को कुछ इस तरीके से हम मोड़ते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने हनुमान जी की पूंछ बिल्कुल अच्छे से तैयार कर ली है। हमने वायर के ऊपर जो पतले वाला गोटा होता है उसको अच्छे से लपेट लिया है। अब जो इनका बैक है मैं वहाँ पे इसको अटैच करूँगी ग्लू गन से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इनके बैक से इनकी जो पूंछ है वो भी अटैच कर दी है और ये हमारे हनुमान जी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इनकी गदा बना लेते हैं। तो देखिए, गदा बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस तरीके की एक बॉल का यूज़ कर रही हूँ जो इजीली हम सबके घर में अवेलेबल होती है। उसके बाद आप इस तरीके से एक रैपिंग पेपर ले लीजिए, जो हम गिफ्ट्स पैक करते हैं वही वाला पेपर आपको लेना है, गोल्डन कलर का। देखिए, उसके बाद इस बॉल को कुछ इस तरीके से अच्छे से आप रैप कर लीजिए। तो देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आपको बॉल को रैप करना है, मैंने बॉल को रैप करने के बाद उसके नीचे किस तरीके की स्टिक जॉइंट कर दी और उसके ऊपर मैंने जो स्पार्कल टेप आती है तो उस स्पार्कल टेप मैंने इसके ऊपर लगा दी जो स्टिक हमने अटैच की थी और ये हमारी सुंदर सी गदा बन के बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपनी इस गदा को इस तरीके से अटैच किया है। मेरे जो हनुमान जी है वो बैठे हुए हैं इसलिए मैंने नीचे की तरफ गदा को रखा है। अगर आपके खड़े हुए हुए पोज में हो तो आप उनके जो आर्म्स है उनकी तरफ भी गदा को लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर टैप करें हमारे अपकमिंग वीडियोज़ को एंजॉय करने के लिए। Thank you so much for watching my video. Bye. See you guys in my next video.